जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। और दोस्तों बात करते हैं आज जो है जिन जातकों का, उन जातकों की जो 6 तारीख को पैदा हुए हैं किसी भी माह की, उनके लिए 2020 जो वर्ष है नव वर्ष, वो कैसा रहेगा उनके लिए। और पहले मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ 1 से लेके 5 तारीख वालों के लिए, वो अवश्य वीडियोस देखें। जिन्होंने नहीं देखे हैं उसके लिंक, उनका लिंक भी जो है इस वीडियो में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूंगा वीडियो के। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और किसी प्रकार की कोई कंसल्टेशन हो, क्वेरीज हो, उसके लिए आप अवश्य संपर्क करिए मुझसे। मेरे नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल सब नीचे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नीचे, अवश्य जो है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या हो तो। और भगवान करे किसी को किसी प्रकार की समस्या ना रहे। तो हम लोग बात करते हैं कि 6 नंबर वालों के लिए ये नव वर्ष कैसा रहेगा। और ये जो है सुंदर वर्ष है आपके लिए, और खूब जो है धन कमाएंगे इस वर्ष, और जोड़ भी पाएंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है कि धन जोड़ पाना। शुभ यात्राएं होंगी आपके जीवन में, और कोई बहुत बड़ी इच्छा आपकी पूर्ण होगी इस वर्ष, जो आपने कई समय से सोची हुई है, जो नहीं पूरी हो पा रही है। आपके मन की कोई भी इच्छा हो सकती है, धन से संबंधित, नौकरी से संबंधित, शांति से संबंधित, किसी यात्रा से संबंधित, आप कहीं जाना चाह रहे हो, कोई चीज़ पाना चाह रहे हो, तो इस वर्ष जो है बहुत सुंदर संजोग बन रहे हैं, जो आपकी वो इच्छा जो है पूर्ण होगी प्रभु की कृपा से। और बहुत अच्छा बात रहेगी, धन जो भी खर्चा होगा वो शुभ कामों में खर्चा होगा। ये भी बहुत सुंदर बात है कि हमारा अगर धन खर्चा भी हो रहा है वो मांगलिक कार्यों में हो, शुभ कार्यों में हो। व्यवसाय जो है, व्यापार है, वो उत्तम रहेगा, बहुत ज़्यादा आगे ही आगे बढ़ेगा। शेयर का जो बिजनेस करते हैं या शेयर में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो देख दाख के इन्वेस्ट करें। इस बार उनको भारी मुनाफे की उम्मीद है। इस साल जो 6 नंबर वाले हैं उनको शेयर्स जो हैं बाज़ार से काफ़ी लाभ मिलेगा। विवाह होने के सुंदर योग हैं। जिनके विवाह हो चुके हैं उनके लिए सुखद स्थिति रहेगी जीवन में, और विवाह होने के भी संयोग है। जो लोग अविवाहित हैं 6 नंबर वाले और विवाह करने की सोच रहे हैं, इस वर्ष जो है विवाह होने की उनकी पूरी उम्मीद है। और जिनके हो चुके हैं, जैसे मैंने बताया, घर में सुंदर समय पार्टनर्स के साथ बीतेगा, और आप पार्टनर के जो वो भी काम करते हैं, आपके पार्टनर चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, उनके आय में भी, उनकी नौकरी में भी वृद्धि के संकेत हैं, शुभता के संकेत हैं। उनका भी पद बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होंगे, या किसी प्रकार से उनके धन में वृद्धि होगी, और बहुत सुंदर साल रहेगा। और आपको जो है पद प्राप्त होंगे, और किसी प्रकार की आपको जो है शक्ति प्राप्त होगी। आप जहाँ नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, और कहने का मतलब है आपको ऑर्डरिंग पावर आएगी। चाहे आप बिजनेस करते हैं तो शायद अकेले कर रहे हो, तो आप नीचे सेवक रख सकते हैं अपने, तो जिनको आप जो है कार्यों का निर्देश दे सकते हैं। तो एक तरीके से ये भी जो है आपको ऑर्डर देने की प्रवृत्ति हुई, आप ऑर्डर दे सकते हैं किसी को, इसका कहने का अर्थ है। या आप जहाँ सर्विस करते हैं वहाँ पर आपका प्रमोशन होगा, आपके नीचे कुछ लोग काम करने के लिए वाले होंगे, जिनके लिए आपको, आप उनको ऑर्डर दे सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि आप जहाँ पे भी काम करते हैं उस जगह पे आपको ऑर्डर देने की शक्ति प्राप्त होगी, मतलब आपका पद भार बढ़ेगा, और आपको कुछ ऐसा धन भी प्राप्त होगा जो कि एफर्टलेस होगा, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी होगी। और संयोग से, प्रभु की कृपा से, इस तरीके का धन भी आपको प्राप्त होने के संकेत हैं। किसी से गिफ्ट मिल जाए, उपहार मिल जाए, कोई संपत्ति मिल जाए, किसी प्रकार की कोई आपकी जो है वो पॉलिसी आपने कोई कराई हुई हो और उसका पैसा इस साल मिलना हो, किसी प्रकार का भी कोई आपके बेनिफिट्स हैं जो अचानक वाले हैं या एफर्टलेस हैं, जिसमें आपने मेहनत बहुत नहीं करी है, वो पैसा आपकी बार आता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्रेम रहेगा जीवन में आपकी बार, पूरे साल जो है प्रेम भरपूर रहेगा, सुंदर जो है घर का भी पूरा एटमॉस्फेयर रहेगा, कंफर्टेबल लिविंग रहेगी, डोमेस्टिक फ्रंट पे भी, घर में भी बड़ा जो है सुंदर माहौल रहेगा हर तरीके से। और अंदर से इच्छा होगी
पॉपुलर होने की कि भाई मैं प्रसिद्धि पाऊँ अब की बार इस वर्ष में, ये आपके अंदर से जो है इच्छा रहेगी छः नंबर वालों की, कहीं ना कहीं तरीके से किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी काम की वजह से वो पहचाने जाएं, प्रसिद्धि पाएं, जो कि उनकी इच्छा पूरे पूर्ण होने का पूरे पूरा संयोग है। और जो है पहले से ज़्यादा जो है बुद्धिमान बनेंगे, धनवान बनेंगे, और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी उन बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई करना चाह रहे हैं, और पहले से ज़्यादा कुशल तरीके से काम करेंगे, जो कुशलता आएगी काम में, जिनको पहले काम में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, अड़चने आ रही हैं, दिक्कत आ रही है अपने काम की जगह में, वहाँ पे स्थितियाँ बेहतर होंगी, कुशल तरीके से काम कर पाएंगे, और कुशलता काम में बढ़ेगी, स्किल काम में बढ़ेगी आपके, और किसी ना किसी तरीके का जो है आपका लगाव बढ़ेगा म्यूज़िक की तरफ। छः नंबर वालों का पहले से ही होता है, और लेकिन उससे अब इस साल जो है वो कुछ ज़्यादा बढ़ेगा आपके जीवन में। वो एक्टिंग है, पोइट्री है, और फाइन आर्ट्स है, डांसिंग है, म्यूज़िक है, इसकी तरफ आपका बहुत ज़्यादा जो है रुझान होगा, और वो आपके लिए बहुत फलदायी शुभदायी होगा, आपके जीवन में जो है वो आनंद रखेगा, और आपके वो एज अ हॉबी भी हो सकता है, आप उसको एज अ प्रोफेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर जो सोच रहे हैं उसको एज अ प्रोफेशन बनाने की, इस साल आपको उसका उसमें जाने का भरपूर फ़ायदा मिलेगा, आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा। जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना चाहते हों, जो या राइटिंग में जाना चाहते हों, किसी भी प्रकार के लेखन कार्य में हों, आर्ट हो, थिएटर हो, म्यूज़िक हो, उसके लिए बहुत शुभ समय है लोगों के लिए, और बहुत अच्छी तरीके से जा सकते हैं। आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी में, ओवरऑल जीवन में जिस तरीके से आपका रहन सहन है, उसमें बदलाव आएगा, आपका बिहेवियर चेंज होगा, आप पहले से ज़्यादा मैनरेबल होंगे, बहुत ज़्यादा आगे से ज़्यादा एटिकेट सीखेंगे। तो एक तरीके का ये भी कह सकते हैं कि ये साल आपके गुणों में, बाहरी गुणों में भी वृद्धि करेगा, जो लोगों के सामने पब्लिक डीलिंग में आती हैं उसमें वो वृद्धि ही करेगा, और धर्म से भी आप काफ़ी जुड़े रहेंगे अब की बार, और किसी तरीके की मंत्र सिद्धि आपको प्राप्त होगी, पूर्व पुण्य भी आपको प्राप्त होंगे, जैसे कि आपने कोई पहले पिछले समय में अच्छे काम किए हैं, उसका फल आपको अब की बार इस साल में मिलने की पूरी पूरी संभावना है, जिसका मैंने आपको पहले ऊपर भी वर्णन किया है कि किसी तरीके का आपको एफर्टलेस मनी मिल सकता है, बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए हुए। आपको आशा नहीं थी कि आपको इतना पैसा मिल जाएगा, कभी कभार ऐसा होता है, हमको फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे के 30,000 रुपये की नौकरी हम चाह रहे हैं या कर रहे हैं, और हमको 50,000 रुपये उसी नौकरी के लिए मिलने लग जाते हैं, तो वो भी एक एफर्टलेस है, हमने सोचा नहीं होता। तो पूर्व पुण्यों का आपको साथ मिलेगा आपकी बार बहुत ज़्यादा, और मंत्र सिद्धि है, पूजा पाठ है, उसकी तरफ नज़दीक जाएंगे, आपके अंदर सेवा की भावना जागृत होगी, और लोगों की आप मदद करेंगे उस चीज़ से, और आपके अंदर जो पूजा पाठी या धर्म की तरफ हैं या किसी तरीके की अकल्ट साइंसेस की तरफ हैं, पुजारी हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके अंदर हीलिंग पावर आएंगी, उनके अंदर मंत्र सिद्धि आएगी, किसी ना किसी प्रकार के वो लोगों का जो है दुख दर्द दूर कर पाएंगे, इस तरीके की भी पॉइंट है उनके लिए, और बहुत दान है, दया है, धर्म की तरफ जो है आगे बढ़ेंगे, और प्रभु की कृपा से, जैसे मैंने आपको बताया, आपके जो पूर्व पुण्य कर्म है, और अब की बार जो है पूजा पाठ मंत्र सिद्धि की वजह से, प्रभु की कृपा से जो है आपका जो है जो धन है अब की बार वो काफ़ी बढ़ेगा, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी। बच्चे भी बहुत अच्छा करेंगे, जो आपके 6 नंबर वालों के जो बाल गोपाल हैं वो भी बहुत आगे बढ़ेंगे। आपका स्पेकुलेशन का कोई भी बिजनेस हो, जैसे मैंने आपको शेयर्स के बारे में बताया, उसमें बहुत वृद्धि होने के संकेत हैं, उससे बहुत अचानक धन प्राप्ति के आपको संकेत मिलते हैं, आपकी स्टेटस बढ़ेगा आपको प्रभु के साथ जुड़े रहने से, उन्हीं की कृपा से, और आपको वो कई तरीके की नॉलेज है, जैसे कि स्पिरिचुअल फ्रंट पे, धार्मिक फ्रंट पे अगर आप ले लीजिए, यह जीवन जो आप जी रहे हैं, जिस तरीके का जीवन आप हम लोग रोज़मर्रा का जीवन जो जीते हैं, उन दोनों में बढ़ोतरी की संभावना है। आप धर्म की तरफ भी आगे बढ़ेंगे और स्पिरिचुअली भी, और मटेरियल वर्ल्ड में भी आगे बढ़ेंगे, जो हम लोग रोज़मर्रे का जीवन जीते हैं उसमें हमारी बढ़ोतरी दोनों तरफ से अच्छी है। तो एक तरीके से बहुत अच्छी बात है कि अध्यात्म का रास्ता भी हम लोग अब की बार पकड़ेंगे, जो 6 नंबर वाले हैं, और जो अपने जीवन का रास्ता है, जो कर्म का रास्ता है, उसमें भी बढ़ोतरी होने की पूर्ण पूर्ण संभावना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो 6 नंबर के जातक हैं, उनके पिता भी जो है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे,
उनकी ब्लेसिंग्स उनको मिलेंगी और उनको भी जो है किसी प्रकार की रिकग्निशन मिल सकती है, उनको भी किसी प्रकार का जो है वो सम्मान प्राप्त हो सकता है, पिता को भी आपके, ये भी बहुत सुंदर बात है। और बच्चों की तरफ से जो है बहुत शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई में वो विदेश जा सकते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए या नौकरी करने के लिए विदेश जा सकते हैं, उनके एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, एजुकेशन में बड़ा स्मूथ रहेगा। अब की साल आपके बच्चों के लिए किसी प्रकार की कोई उलझन है, कोई रुकावट है इस तरीके की महसूस नहीं होगी, स्मूथ उनका जो है पढ़ाई लिखाई चलेगी, आगे की पढ़ाई की तरफ की भी नींव धर सकते हैं अगर ऊपर आगे बढ़ना चाह रहे हों तो। और उन लोगों के लिए ये वर्ष 6 नंबर वालों के लिए जो पैदा हुए हैं किसी भी माँ को, उनके लिए ये जो है वर्ष और अच्छा होगा। अगर जो है आप लोग राइटर्स हैं, बिजनेसमैन हैं किसी तरीके के, एडिटर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, या कोई ब्लॉग वगैरह लिखते हैं, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं किसी प्रकार से, और किसी भी प्रकार की फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं, उनके लिए बहुत शुभ समय है। इवेंट मैनेजमेंट हैं, होटल लाइन से जुड़े हुए हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत सुंदर समय होगा। उनका बिजनेस, उनका सर्विस में सब ऊपर जाने की बहुत बहुत चांसेस हैं उनके लिए। और गवर्नमेंट एग्जाम्स भी जो है बीट करने का बहुत सुंदर चांस बना हुआ है 6 नंबर वालों का, जो अगर गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहते हैं उनको जो है गवर्नमेंट एग्जाम थ्रू कर लेंगे, पास कर लेंगे वो लोग। और पहले ही मैंने आपको बताया व्यापार है किसी, उसमें विस्तार होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी, तो हर प्रकार से जो है शुभ समय बना हुआ है। सेहत अच्छी रहेगी, आप लोगों की कृपा रहेगी, सेहत का सुख रहेगा आपको पूरे वर्ष जो है, सेहत का कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि जो आपको फेस करनी पड़ेगी किसी भी प्रकार की, तो हर तरीके से जो है आपका जो ये वर्ष है वो शुभ संदेश ही लेके आता है, लेके आ रहा है। लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार की कुछ नकारात्मकता जो है आ सकती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिससे हम लोगों को पहले सचेत रहना चाहिए, तो उसके बारे में भी डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि पूरे वर्ष में ही जो है वो सारा समय एक जैसा बना रहे, या हमको उनको एक जैसा बनाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। हम लोगों को पहले से जो है सतर्क रहना पड़ता है कि किस प्रकार से जो है हम लोग अपने समय को जो है अनुकूल बनाए रखें, अगर विपरीत परिस्थितियां आए तो उनको भी कैसे फेस करें। तो कौन कौन से ऐसे संबंध हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है 6 नंबर वालों को जो पैदा हुए हैं 6 तारीख को किसी भी माँ की, कोई जो है अनैतिक संबंध किसी प्रकार के मत बनाइए, वो बहुत जो है वो खराब होंगे, क्योंकि ऐसे चांसेस दिखाई देती हैं कि परिवार से अलग हटके किसी भी प्रकार का अनैतिक संबंध बनाया हुआ आपको जो है बहुत भारी कष्ट लेके आएगा, और भोगों की जो वजह से बहुत अधिकता भोगों की होगी। क्योंकि देखिए साल में आपको मैंने बताया है धन, नौकरी, हर तरीके की आपको व्यापार, हर तरीके का आपको जो है शुभ समाचार मिल रहा है, तो उसमें क्या होता है अन्न धन धान्य का भी जो है बड़ी जो है बहुताहत रहती है, खाने पीने की जो है आनंद रहता, तो कभी कभार हम लोग अधिकतर ज़्यादातर क्या होता है भोगों में पड़ जाते हैं ज़्यादा, तो अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर बैठते हैं, तो इसलिए जो है भोगों की वजह से जो है परेशानी हो सकती है, ये अवश्य याद रखिएगा, उससे तबीयत बिगड़ सकती है। जिनको मधुमेह है, डायबिटीज़ है, उनको ख्याल रखना चाहिए, जिनका यूरिनरी किसी तरीके की प्रॉब्लम है, मतलब मूत्राशय से संबंधित उनको प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन की प्रॉब्लम हो सकती है, वो उससे जो है सतर्क रहिएगा, उसके इन्फेक्शन हैं, उसकी वजह से फीवर वगैरह हैं वो आ सकते हैं पूरे साल में, तो उसकी वजह से सचेत रहिएगा। और किसी वजह से जो है अपने आलस की वजह से कभी कभार आप अपने आलस की वजह से अपने शुभ समय को बिगाड़ सकते हैं, ये प्रवृत्ति जो है 2020 में 6 तारीख को जो पैदा हुए हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी प्रकार के भी आलस में मत पड़िए। अगर आप ज़रा सा भी आलस कर रहे हैं, आपको 4-5 दिन आपने आलस में बिताए हैं, तो आप ये याद रखिए कि वो आपके लिए खतरे का संकेत है, क्योंकि आलस की वजह से आप अपना शुभ समय खो देंगे, ये अवश्य याद रखिएगा। प्रेम में निराशा हो सकती है, इन द सेंस कि कोई आदमी अगर
तारीख को जो पैदा हुए हैं उनके कोई प्रेम संबंध चल रहे हों किसी प्रकार से, तो उनको वहाँ से कुछ निराशा मिल सकती है। शादी के फैसले गलत हो सकते हैं और जो शादी करना चाह रहे हैं इसीलिए देख दाख भाल के शादी करें। हाँ, बहुत सारी लड़कियों को मना ना करें क्योंकि वो गलत बात होगी, हो सकता है क्योंकि उसी की वजह से आपको फिर जो आप अपनी समझदारी से बड़े ज्ञान से किसी प्रकार की लड़की को चुने और बाद में वो आपके लिए ठीक ना बैठे, या लड़की अगर किसी ऐसे लड़के को चुने तो वो बाद में वो ठीक ना बैठे, तो काफ़ी रिश्ते आएंगे तो उसको लौटाइएगा नहीं आपके लिए, तो जो अच्छा लगे आपको बैलेंस लगे उसके लिए हाँ कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा मना करते रहने से फिर आखिरी में अंततः क्या होगा, जो पार्टनर आपको मिलेगा फिर उसकी वजह से आपको हानि हो सकती है, कष्ट उठाना पड़ सकता है, और जो है आडंबर से बचिएगा किसी भी प्रकार से, और आडंबर जो है भोगों से बचिएगा, दिखावे से बचिएगा, आडंबर से बचिएगा, क्योंकि वो की जो है काफ़ी प्रकार की प्रसिद्धि मिलने की संभावना है, काफ़ी प्रकार का अच्छा होने का आपके साथ संभावना है, तो कई बार क्या होता है हम लोग दिखावे में पड़ जाते हैं जो हम लोगों को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उन आडंबरों से बचिएगा और लोगों की बातें ध्यान से सुनिएगा जो बड़े हैं, और उनकी बातें अवश्य ध्यान से सुनिएगा और तब किसी बात का निष्कर्ष निकालिएगा, क्योंकि कान के कच्चे मत रहिएगा कि कोई किसी कह दे और आप लड़ाई झगड़ा करने लगे, ये बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा। और संतान की ओर से भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, संतान बहुत अच्छा करेगी, उनके शुभ संकेत है, नौकरी अच्छी होगी, उनका जो है पढ़ाई अच्छी होगी, वो लोग अच्छी लाइन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन वहीं पे साथ में एक पॉइंट ऐसा भी बनता है कि कहीं ना कहीं वो भी जो है कोई छुप के आपको जो जिनके बारे में ना पता चल पाए कुछ इस तरीके के काम कर रहे हों जो कि बाद में वो गलत निकले, गलत हरकतें कर रहे हों किसी प्रकार की, वो गलत संगत में पड़ गए हों, तो ये अवश्य जांचते परखते रहिएगा कि आपके बच्चे आपकी संतानें अगर जो हैं वो उस उम्र के हैं जिस उम्र में उनके लिए ये चीज़ की देखभाल ज़रूरी है, वो अवश्य देखते रहिए वो कौन से कार्यकलाप कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे जुड़ रहे हैं, ये माता पिता का वैसे भी फ़र्ज है, और 6 नंबर को जो 6 तारीख को जो पैदा हुए हैं उनके लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने बच्चों के ऊपर अवश्य ध्यान रखिएगा कि कहीं किसी तरीके से वो बुरी संगत में या कहीं और बुरी आदतों में तो नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि आपको फिर अंततः पता चल सकता है आखिरी में, और वो बुरा साबित होगा और आपके बच्चों का भी नुकसान होगा, उससे आपको भी दुख होगा। और किसी भी प्रकार की अगर परेशानी आपको फिर भी आती है, जो मैंने आपको बता दिया है कि भाई इन चीज़ों से सतर्क रहिए आप, और फिर भी अगर लेकिन आपको किसी प्रकार की परेशानी महसूस होती है 2020 में 6 नंबर वालों को, तो वो लोग जो है माता लक्ष्मी की पूजा करें, हर प्रकार से जो है वो आपको जो है धन धान आपको मिलेगा, सारी परेशानियां दूर होंगी। अष्टलक्ष्मी की पूजा करिए आप पूरे वर्ष और शुरुआत दिन से ही, और जो है वो विष्णु जी की पूजा करिए, किसी भी फॉर्म में आप करिए, नारायण कृष्ण राम किसी भी पूजा करिए आप फॉर्म में, और आपको हर तरीके के संकटों से परेशानियों से बचाएंगे। कोशिश करिए कि आप लोग जो हैं वो क्या नाम लेते हैं थोड़ा अपना इत्र वगैरह जो है पूरे साल का प्रयोग करिए, जो 6 तारीख को पैदा हुए हैं वैसे भी प्रिय होता है, उनको सुगंध प्रिय होती है, तो कोशिश करिए कि नित्य जो है नहा धो के साफ चकमक बन के जो है ज़रूरी है प्रभु के आगे नतमस्तक होके, और थोड़ा सा जो है अपना इत्र परफ्यूम डियोस जो भी लगाते हों वो अवश्य लगाएं, क्योंकि वो भी आपके लिए एक सुगंध जो है एक तरीके से आपको जो है वो पॉजिटिव रखेगी, और आपका जो आपकी अप्रोच पॉजिटिव रखेगी, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आगे से आगे बढ़ा रहेगा, इसीलिए सुगंध को अपने जीवन में किसी रूप में अवश्य शामिल करिएगा। आशा करता हूँ 6 नंबर वालों के लिए जो 6 तारीख को पैदा हुए हैं किसी भी माँ को, उनके लिए 2020 का वर्ष जो है बहुत सुंदर जो है वो रिजल्ट्स लेके आएगा, और ऐसी आशा करता हूँ वो किसी प्रकार की ट्रबल में किसी प्रकार की परेशानी में नहीं पड़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय श्री कृष्णा।